Assalamualaikum and welcome to IDHS. मैं हूँ राहीन फातिमा और मैं आपको बताती चलूँ कि IDHS is the world's largest digital incubator center और हमारा गोल है कि we mentor and train 1 million young entrepreneurs ताकि job creation हो in a very sustainable way. कि असल सही है सब एक entrepreneur 195 मुल्कों में IDHS काम कर रही है. अब देखें वो एक एंटरप्रेन्योर वो खुद तो हर जगह नहीं काम कर रहे हैं ना, उनकी लीडरशिप है, उन्होंने आगे फर्दर टीम्स बना दी हैं, फर्दर कैटेगरीज बना दी हैं जो कि कंट्रीज में काम कर रही हैं. देखिए IDHS का प्लेटफॉर्म मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें देखें ना असल सही से लेकर नीचे तक जितने लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी मुकम्मल कोऑपरेशन शो किया और मुझे जो चीज़ सीखने को मिली है कि बिजनेस करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि देखिए ना जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मैनेजर टाइप नहीं होते कि सारा काम खुद ही कर रहे हैं, वो कंपनीज बना देते हैं, वो आइडिया के ऊपर एक काम करते हैं, कंपनी एस्टैब्लिश कर देते हैं और फिर आगे वो लीडरशिप के जरिए अपने एसओपीज डिजाइन करके लोगों को पर इंप्लीमेंट कराते हैं. तो मैंने जो चीज़ सीखी है वो है लीडरशिप, और क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीडरशिप है. दूसरी चीज़ जो मैं समझ चुका हूँ अभी तक कि पेशेंस बड़ी जरूरी है. जब आप बिजनेस करने जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपका पेशेंस होना बड़ी इंपॉर्टेंट है. कोई ओवरनाइट सक्सेस ये नहीं होती कि लॉन्ग जर्नी है, ग्रिट चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होती है. तो ये दो चीज़ें मैं सीखूँ, नंबर वन लीडरशिप एंड नंबर सेकंड इज पेशेंस. स्टार्टअप पाकिस्तान और IDHS और जो चौथी यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये तावन किया है आपस में, तो इन सब ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हमारी कौम के नौजवानों के लिए ताकि वो नौकरियां देने वाले बने, जैसे कि वो नौकरियां देने वाले हों. I would like to appreciate the efforts of Mr. Hassan Sayed for successfully launching IDHS. Hassan Sayed ki team sabko main bahut mubarakbad deti hu aur aainda ki jitne bhi ventures honge third cohort aur usse aage bhi Shahid Benazir Bhutto Women University se aap piche nahi payenge. हमारे स्टूडेंट्स, हमारी गर्ल्स इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी क्योंकि जो लोग कर चुके हैं दैट वुड बी कैटलिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और उनसे वो इंस्पिरेशन लेंगे और फिर हमारे पास स्लॉट्स नहीं होंगे कि कैसे हम उन सबको अकोमोडेट कर सकें. वो लोग जो हमें देख रहे हैं, वो लड़कियाँ जो हमें देख रही हैं, मैं अपनी स्टूडेंट्स से भी यही बात करती हूँ, ये हम लोग अगर उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए या उन्हें हम कहें ओके फाइन वी कैन डू इट सो यू कैन टू, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है ना. तो बहुत अच्छी बात है आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप इंस्पायर करिए उन लोगों को जो आगे जो कैमरा फेस करने से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं. और तो बिल्कुल.